मेरे पैर हाथ में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में, जोड़ में, उंगली सब का गांठ सब दर्द होता है। दवाई भी करती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दवाई कर कर के थक गई। डॉक्टर के यहाँ जाते, अस्पताल में दिखाती थी, एक बार ही नए नए पैसे लग जाते। कमाने वाला आदमी कितना सा करेगा दवाई। मैं बहुत परेशान हो गई इससे, तो मैं कह के मैं अब दवाई नहीं कराऊँगी। ये भी परेशान हो जाते थे, फिर मैं बोली कि अब कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। 1000-1200 कमाने वाला आदमी कितना डॉक्टर को देगा। मैं नीलम देवी बोल रही हूँ। मेरे पैर हाथ में बहुत दर्द रहते थे, घुटनों में, जोड़ में, उंगली सब का गांठ सब दर्द होता था। मेरा दिल करता था मैं हमेशा रोऊं दर्द की वजह से। दवाई भी करती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाई लेती थी, थोड़ी देर आराम हो जाता था, फिर उसी तरह से दर्द चालू रहता। मैं दवाई कर कर के थक गई। जब दवाई लो डॉक्टर के यहाँ जाते, अस्पताल में दिखाती थी, एक बार ही नए नए पैसे लग जाते थे। मैं परेशान हो गई। लोकल कमाने वाला आदमी कितना सा करेगा दवाई। तो मैं कह के मैं अब दवाई नहीं कराऊंगी। मेरा मन करके मैं रोऊं, इतना दवाई करा रही हूँ, ठीक ही नहीं हो रही। मेरे घर में कहा कि अब जब तक सांस है तब तक आस है, छोड़ूंगी तो नहीं। फिर ये बोले कि अच्छा चलो देखते हैं। और 2-3 अस्पताल में दिखाई, मेरा आराम नहीं आया कुछ। मेरी सास भी बोलने लग गई, तू तो अभी बूढ़ी हो गई, मेरे से भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई, तो मैं क्या करूँ फिर। मैं इस वक्त मुझे बीमार होने का मेरा मन करता है कि मैं सोई रहूँ बिस्तर पे, या दर्द का नाटक करूँ, किसको दिल करता है। फिर मैं पंजाब चली आई। पंजाब में आकर के फिर मैं ये कहते थे कि वहाँ से चलो घर में नहीं होता है, यहाँ पे साथ में रहेंगे तो पता लगेगा। फिर मैं पंजाब में आकर के यहीं पे इलाज कराने लग गए। फिर भी यहाँ भी उसी तरह से जितना देर दवाई खाती थी उतने देर आराम होता था। 1000-1200 कमाने वाला आदमी कितना डॉक्टर को देगा। ये भी परेशान हो जाते थे। फिर मैं बोली कि अब कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर कोई काम करते करते कोई वहाँ पे उनके यार दोस्त बताए कि ये भी मायूस हो जाते हैं तो मुंह तो उतर ही जाता है, तो बोले क्या बात है यार, तुम्हारा मुंह उतरा या क्यों है। तो ये बोले कि क्या करूँ यार, दवाई करा करा के मैं परेशान हो गई पड़ी हूँ, मेरी घर वाली ठीक नहीं रहती है। तो वो बोले कि अच्छा चलो एक वहाँ पर शारदा डॉक्टर है, उनसे दिखा लो। तो मैं फिर कहते कि चलो इतना दिन तो दिखा ही रहा हूँ, एक बार और सही। लोकल आदमी के लिए तो दिहाड़ी तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी कहते चलो एक बार तोड़ेंगे तभी पता लगेगा बीमारी के बारे में, डॉक्टर के बारे में। फिर लेके हमको गए, तो वहाँ गए तो देखे बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थे वहाँ। मैं कहा तो नंबर भी लगना मुश्किल है। फिर मैं बैठ करके आपस में जैसे सभी बात कर रहे हैं उसी तरह मैं बात करने लगी एक दूसरे मरीज से। तो बोल रहे कि बहन जी बहुत बढ़िया है डॉक्टर, चेक करा के देखिए। और पहले जांच कराने के बाद पहले तो कुछ नहीं पता लगता है, एक बार आप जांच कराइए फिर पता लगेगा। मैं कहा बहन मैं तो बैठने से भी परेशान हूँ। फिर कि नहीं बाबा आप आराम करिए, लेकिन आ जाएगा नंबर जल्दी। शाम हो गया, फिर भी नंबर आया। डॉक्टर के पास गए तो पूरा जाँच उच कराया उसने, ब्लड व्लड टेस्ट उस कराए, सब कुछ कराए, टेस्ट करा करके उसके बाद साल भर हो गया मुझे दवाई खाते हुए। अब मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है, हाथ पैर में, जॉइंट में दर्द जैसे ये सब रहता था वो सब अभी हमको नहीं है दर्द। पूरा परहेज बताए हैं, ठंडा वंडा खट्टा खुट्टा बाई चीज़ नहीं खाने के लिए बोले हैं, सेक लेने के लिए बोले हैं, वो भी मैं कर रही हूँ। सारा बढ़िया से चल रहा है अभी मेरा, तो काफ़ी मैं चल फिर के भी देख कर सकती हूँ काम धाम। हाथ पैर का असर में आटा नहीं गूंध पाती थी, वो सब मैं कर लेती हूँ अब। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर शारदा का, कि मुझे ठीक कर दिया है।